विभाग लापरवाही की वजह से एक नवजात की यहाँ पे मौत हो गई, जबकि डॉक्टर अपनी लापरवाही छिपाने के लिए पूरे वक्त परिजनों को गुमराह करते रहे और आखिर में अचानक नवजात की मौत की खबर दे दी गई। दरअसल बुढ़ार गांव की मीरा राजवाड़े ने 14 फरवरी को जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। नवजात को SNCU में भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा था। 5 दिन तक परिजनों को यह बताया जाता रहा कि बच्चे की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन 5वें दिन अचानक परिजनों को गर्म कपड़े लाने के लिए कहा गया और जब तक परिजन लौट कर वापस आते तब तक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है और जबकि डॉक्टर अपना कुछ अलग ही तर्क दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है आइए सुनवाते हैं। बच्चा जो है कि दूध पिलाने से जो है कि सांस के नाली में उसका दूध जो है कि चला गया है, इसलिए बच्चा जो है कि सीरियस है। उसके बाद फिर बच्चे को करीब 2:30 बजे आसपास में सिस्टर लोग बताए कि नहीं, बच्चा का जो है कि सांस नहीं है, बच्चा जो है कि डेथ हो गया पेट में और सांस की नली में। जो हमको लगा कि जो दूध फंसा है तो उसको सबसे मशीन से हम उसको क्लीन किए, तो उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। तो बच्चे को ऑक्सीजन लगा के उसको हम IV फ्लूड फिर स्टार्ट किए और बच्चे की जो पल्स वगैरह है उस समय काफ़ी कम थी। थोड़ी देर बाद देखे कि फिर उसकी पल्स जो कम थी फिर वो भी नहीं चल रही थी। रेसिस्टेड उसको किया गया और लगभग 1:45 के आसपास दोपहर को बच्चे को। दिनेश कुमार द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं, ये जिला चिकित्सालय की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठीक है। जो कि 5 दिन पहले एक प्रसूता माँ ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन 2 दिन बाद उसकी बच्चे की हालत बिगड़ती हुई देख उसे NICU में भर्ती किया गया। 5 दिन बाद उसकी मौत की पुष्टि कर देते हैं डॉक्टर, लापरवाही बरती गई है, अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की गई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये जानकारी ये है कि 5 दिन बाद उनके परिजनों ने जब उन्होंने डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने अचानक बताया उनके परिजनों को कि बच्चे की मौत हो गई है। इस पर परिवार वालों ने बोला कि हमें जब बच्चे की तबीयत खराब थी ना तो हमें बताया गया, और जब डिस्चार्ज का समय आया तब इन्हें बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई। जी, क्या जिम्मेदार और क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि शिकायत की गई है, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। जी, इस मामले में जब हमारे जिला चिकित्सालय के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी डॉक्टर कौन थे उस वक्त? उस समय भास्कर मिश्रा थे और वही उनका इलाज कर रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। झाबुआ जिले के खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम